This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल. लंदन में वड़ा पाव बेचकर हर साल 4.39 करोड़ रुपए कमा रहे हैं ये बच्चे मुंबई के. जब मुसीबतें दामन थामती है तो मजबूत से मजबूत इंसान भी टूट जाता है, लेकिन मुश्किल घड़ी में जो जीने का तरीका सीख ले उसकी नैया जरूर पार लगती है. वैश्विक मंदी के चलते 2009 में दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था हिल गई थी. इस दौरान बड़े बड़े पेशेवर लोगों की भी नौकरियां छूट गई थी. लंदन में काम कर रहे मुंबई के दो लड़के भी इसी मंदी की चपेट में आ गए थे. उनकी माली हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें मजबूरी में वड़ा पाव का ठेला लगाना पड़ा. लेकिन वो कहते हैं ना, अगर आप में हुनर और काम करने की जज्बा है तो दिन बदलते देर नहीं लगती. ऐसा ही कुछ उन दोनों लड़कों के साथ भी हुआ. ये दोनों लड़के आज भी वड़ा पाव बेचते हैं, लेकिन सालाना उनका टर्नओवर जो है वो है 4.39 करोड़ रुपए. बेटी की लिखी कहानियां बेचकर पिता बना करोड़पति. बात साल 7 साल पुरानी है. उस वक्त मंदी की वजह से कई कंपनियां बंद हो गई थी और उसमें काम कर रहे लोग रातों रात बेरोजगार हो गए थे. मुंबई के रहने वाले सुजाय सुहानी उस वक्त लंदन में एक 5-स्टार होटल में फूड एंड बेवरेज मैनेजर थे. मंदी के दौरान उनकी भी नौकरी चली गई थी. उनके पास ना तो कोई दूसरी नौकरी थी ना ही पैसे. ऐसे में उन्होंने दोस्त सुबोध जोशी से अपने हालात बयान किए और कहा कि उनके पास वड़ा पाव खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं. बातचीत में वड़ा पाव शब्द दोनों के दिमाग को क्लिक कर दिया और यहीं से उन्हें लंदन में वड़ा पाव बेचने का आइडिया मिला. मिडडे की रिपोर्ट के मुताबिक कम बजट में वड़ा पाव बेचने की जगह तलाशना किसी चुनौती से कम नहीं था. बहुत भागदौड़ के बाद आखिरकार एक आइसक्रीम कैफे के सुजाय और सुबोध ने जगह दी. इसके बाद उन्होंने हर महीने 35,000 रुपये बतौर किराया देना था. दोनों 1 पाउंड यानी 80 रुपये में वड़ा पाव और 1.5 पाउंड यानी 150 रुपये में दबेली बेचने लगे. लेकिन बिजनेस शुरू करने में काफ़ी नहीं था, प्रॉफिट ना के बराबर हो रहा था. इसके बाद उन्होंने एक और तरकीब निकाली. वो लंदन की सड़कों पर लोगों के पास जाते और उन्हें फ्री में वड़ा पाव और दबेली टेस्ट करने के लिए कहते. वे वड़ा पाव का को इंडियन बर्गर बता के उसका प्रचार करते. फिर क्या था, लंदन के लोग को वड़ा पाव खूब पसंद आने लगा. सुजय और सुबोध का बिजनेस बढ़ रहा था और उन्होंने उस समय छोटे कैफे के बजाय बड़ी की जरूरत पड़ी. उन्होंने पास ही एक दूसरे स्टॉल खोल लिया. इसमें एक पंजाबी रेस्टोरेंट ने उनके साथ साथ बिजनेस करने का ऑफर दिया. प्रपोजल काफ़ी अच्छा था इसलिए दोनों ही मान गए. जब श्री कृष्ण वड़ा पाव स्टॉल एक रेस्टोरेंट में तब्दील हो चुका था. वर्तमान में सुजय और सुबोध की रेस्टोरेंट की 3-3 ब्रांच हैं जिसमें 35 लोग काम करते हैं. उसका मेन्यू अब वड़ा पाव के अलावा लगभग 60 तरह के इंडियन स्ट्रीट फूड भी शामिल है. उनका रेस्टोरेंट शादी पार्टियों का भी ऑर्डर लेता है. धन्यवाद.